हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्वजीत है और आप लोगों को विश्वजीत चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो रेडमी के फ़ोन्स होते हैं, जैसे रेडमी नोट 4, एमआई के, मतलब जितने भी फ़ोन होते हैं, अगर उसमें आपको अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, ये ऑन ऑफ होते रहता है। जैसे अगर मैं चार्ज पे लगा दूँ फ़ोन को, देखिए ऐसे आएगा फिर चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम जब होने से हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकें। ऑन ऑफ हो रहा है, अगर मैं इसका बैटरी रिमूव भी कर देता हूँ, देखिए जैसे मैं यहाँ से भी इसका बैटरी रिमूव कर दिया तो फिर भी फ़ोन ऑन कंडीशन में है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर एग्जांपल जैसे मैं अभी इसका चार्जिंग जो है बाहर निकाल देता हूँ तो ऑफ हो गया। उसके बाद में जो इसको मैं बैटरी लगा देता हूँ और फ़ोन को ऑन करता हूँ तो ये फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है। ओके, ऑन ही नहीं हो रहा है फ़ोन, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, अगर रेडमी के आपके पास पे अगर रेडमी फ़ोन होंगे, अगर आप लोगों के पास पे अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर जैसे हम क्या करते हैं फ़ोन में अगर लगा देते हैं चार्जिंग पिन, अगर बैटरी उसका रिमूव कर देते हैं फिर भी अगर मोबाइल ऑन ऑफ हो रहा होगा, तो हम इसको किस तरीके से ठीक करें, मैं आप लोगों को आज उसी के बारे में पूरा डिटेली से बताने वाला हूँ कि इसका प्रॉब्लम क्या से क्या होता है। और दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर और मेरे जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि उन लोगों की ये कंप्लेंट है, सर आपने तो अपना फ़ोन नंबर तो दे दिया है अपने पेज पर, अपने यूट्यूब पर, चैनल पर अपना फ़ोन नंबर देते हैं, मगर हम जब भी फ़ोन करते हैं आप मेरा जो फ़ोन है आप पिक नहीं करते। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग मुझे कॉल कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप कॉल कीजिए मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, ज़रूर आंसर दूंगा, मगर मैं आपको एक टाइमिंग्स दे देता हूँ दोस्तों। आप 10 बजे से लेकर 12 बजे के अंदर दिन में आप कभी भी कॉल कीजिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों को आंसर दूंगा कि आप किस तरीके, कुछ भी आपका अगर प्रॉब्लम होगा तो, चाहे फ्लैशिंग के बारे में हो, चाहे हार्डवेयर के बारे में हो, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मगर दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ 12 बजे के बाद से प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिए किया करें, क्योंकि मेरा भी शॉप है, मुझे भी देखना पड़ता है, मेरे भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो सो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालूंगा कि मैं आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। इसके लिए मैं चैलेंज बनाया हूँ कि मैं आप लोगों का थोड़ा मदद कर सकूँ। चलिए दोस्तों, बातें तो बहुत हो गए, इसके लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ सॉरी दोस्तों, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आप लोगों को कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ और आप लोगों को उसका जवाब भी नहीं दे पाता हूँ, और आप लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं फिर भी मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ, कम से कम 15 से 20 दिन हो गया अभी तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बता दूँ इसका जो मेन प्रॉब्लम कहाँ से होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम एक तरफ से माने तो बैटरी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बोर्ड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो चार्जिंग सॉकेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तीन इशू। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम में तीन इशू आता है। एक तो बोर्ड, बोर्ड अगर आपका ख़राब हो जाए तो आपका मोबाइल किसी भी काम का नहीं है। चार्जिंग का जो सॉकेट है वो ख़राब हो जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अगर बैटरी का भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को एक स्टेप बता देता हूँ, अगर आपके फ़ोन में अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, चार्जिंग पिन का जो कनेक्टर है वो उसको चेंज करके देखिए, उससे अगर ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ओके, ठीक है, उससे हो सकता है। अगर आपका फ़ोन वाटर डैमेज है, कहीं पे पानी गिरने पे गिरा है, पानी में लगा है, अगर ऐसा भी प्रॉब्लम होता है तो आप एक बार क्या कीजिए, बोर्ड को अच्छे से सर्विस कीजिए, उसके बाद में चेक कीजिए कि यह प्रॉब्लम गया है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, हमारे टच के कनेक्शन से भी यह प्रॉब्लम होता है, कैमरा से भी यह प्रॉब्लम होता है, पावर बटन की स्ट्रिप से भी प्रॉब्लम होता है, और ये जो स्ट्रिप है मतलब वाटर डैमेज होने के बाद कभी कभी क्या होता है, हल्का पानी चल जाता है, पता नहीं चलता है, और फ़ोन में यही प्रॉब्लम होता है कि हम जब भी चार्ज लगाते हैं, लगा देता हूँ उसको, जब भी हम चार्ज लगाते हैं ये ऑन ऑफ होता है, और फ़ोन को ऑन करेंगे तो फ़ोन बिल्कुल ऑन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऑन ऑफ होता है, और हम चार्ज पे मतलब चार्ज पे लगाने से वो चार्ज होगा भी नहीं, मोबाइल ऑन भी नहीं होगा। तो आप इस कंडीशन में क्या सोचेंगे कि जो इसका बैटरी है, बैटरी में शायद चार्ज कम होगा शायद इसके लिए, तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि बैटरी में एकदम फुल चार्ज है। ठीक है, मैं आपको बैटरी का परसेंटेज भी दिखा देता हूँ,
20 में रखेंगे इसको, वैसे तो बैटरी चेक करने के लिए 20 में ही रखा जाता है। तो इसका जो प्लस माइनस ऊपर नीचे है और कहीं उल्टा तो नहीं है कि मैं ये सोच रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। मेरे जो मल्टीमीटर का जो है वो 12 बज चुका है मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसमें वोल्टेज उल्टा सीधा दिखा रहा है। क्या तो मैं अदर से एक बैटरी चेक कर लेता हूँ, इसमें बराबर बता रहा है कि नहीं, चेक करता हूँ। इसमें भी 500 के ऊपर ही दिखा रहा है, इसमें 500 को ऊपर ही दिखा रहा है। तो मतलब वैसे मल्टीमीटर का ऐसा प्रॉब्लम कब होता है कि जब बैटरी, मल्टीमीटर का जो बैटरी वो डाउन हो जाने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आप लोगों को पूरा क्लीन से आज बताऊंगा कि ये ऐसा नहीं है कि इसका ये प्रॉब्लम था सर आपने ऐसा दिखा दिया, झूठ है, फेक है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आप लोगों को आपके सामने सब कुछ चेक करके दिखाऊंगा। मेरे ख्याल से इसका जो बैटरी है ना वो डाउन हो चुका है, इसकी वजह से हमको रॉन्ग वोल्टेज दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका बैटरी चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसका बैटरी चेंज कर देता हूँ, नया बैटरी एक लगा देता हूँ। इसका प्लस माइनस किधर है, दिस ऑल्सो माइनस, दिस एंड प्लस। अभी हमने नया बैटरी लगा दिया, अभी वोल्टेज परफेक्टली शो करेगा। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों 440 है, जिससे हम बोलते हैं इस बैटरी में पूरा एकदम फुल चार्ज है। ठीक है, एकदम 100% फुल चार्ज है इस बैटरी में। तो मैं ये जो दिखाया आप लोगों को इसलिए कि आप लोगों को पता चले कि ये कुछ किया नहीं होगा, मल्टीमीटर का प्रॉब्लम था इसके लिए। तो दोस्तों ये जो बैटरी में फुल चार्ज है फिर भी ये ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा। आपने कनेक्टर चेंज कर लिया, बोर्ड सर्विस भी कर लिया, उसके बाद में आफ्टर आपको क्या करना है, एक बार बैटरी को चेंज करके देखना चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम जो होता है बैटरी से अक्सर होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं इतना कुछ इसलिए बता रहा था कि कभी कभी क्या होता है बैटरी का प्रॉब्लम नहीं होता है बोर्ड से, कनेक्टर से, इसके लिए मैं आप लोगों को इतना डिटेल से बताया कि इससे इतना प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं इस बैटरी को अभी हटा देता हूँ। ठीक है, मैं एक दूसरा एक बैटरी लेता हूँ MI का। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। अभी मैं अपने फ़ोन को ऑन करके देखता हूँ ये ऑन होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, मैं जैसे ही बैटरी चेंज कर किया हूँ तो मेरा फ़ोन जो है वो 100% दोस्तों ये ऑन हो चुका है। ठीक है, अगर मैं पुराना बैटरी से ऑन कर रहा था तो ऑन नहीं हो रहा था। तो अदर अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बैटरी को रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं फिर से लगाता हूँ और मैं आप लोगों को चार्जिंग पर भी लगा के दिखा देता हूँ अभी कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे चार्जिंग पे मैंने लगा दिया, अभी जो फ़ोन है ऑन ऑफ पहले हो रहा था, ये अभी ऑन ऑफ होगा कि नहीं ये चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी चार्जिंग परसेंटेज भी बता दे रहा है, उस टाइम में क्या हो रहा था, ऑन ऑफ हो रहा था। तो दोस्तों यही जो ऐसे प्रॉब्लम आजकल बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इसी फ़ोन में, बहुत सारे फ़ोन में जो है ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं कि हम बैटरी रिमूव करने के बाद भी फ़ोन ऑन होता है। और यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे, बहुत लोग सर्च भी करते हैं कि बैटरी निकलने के बाद मोबाइल ऑन होता है तो उसका सोल्यूशन क्या है, वैसा कोई सोल्यूशन कोई है नहीं, कोई बताता भी नहीं नीट से। इसके लिए मैं आपको पूरा आज सिंपली वन स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को बताया हूँ कि इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकेंगे, सब प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ
बाकी आप लोगों का अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं इस वीडियो में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप लोगों को अगर कभी भी किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम होगा तो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं दोस्तों। मगर मैं कॉन्टैक्ट का जो टाइमिंग से मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि आप मुझे 10 बजे से लेकर 12 बजे के अंदर कोई सा भी अगर आप लोगों का प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्टली कॉल कीजिए, मैं आप लोगों का 100% मदद करूँगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बाय।